भोपाल से आ रही खबर का रुख करते हैं। आरएसएस और सेवा दल के बीच ठनी हुई है। भोपाल में आज से सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन। आरएसएस की तर्ज पर संगठन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एआईसीसी के बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस सेवा दल के कैंप में साहित्य बांटा जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ साहित्य बांटा जाएगा। आरएसएस के कैंप की तर्ज पर सेवा दल का कैंप लगा है। सेवा दल के शिविर में प्रियंका गांधी आ सकती हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आरएसएस की तर्ज पर संगठन बनाने के लिए ट्रेनिंग होगी। आरएसएस वर्सेस सेवा दल, यानी सेवा दल को पूरी तरह आरएसएस की तरह एक मजबूत संगठन के तौर पर ढाला जाएगा। आरएसएस बीजेपी से जुड़ा साहित्य बांटा जा रहा है। आरएसएस के कैंप की तर्ज पर ही सेवा दल का कैंप लगा है। सेवा दल एक पुरानी इकाई है कांग्रेस पार्टी की, और इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अब काम किया जाएगा। आरएसएस के कैंप की तर्ज पर ही सेवा दल का कैंप लगा है। प्रियंका गांधी आ सकती हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। नवीन, बताएं जरा इसके बारे में, क्योंकि ये आरएसएस की तर्ज पर होने वाला एक पूरा ट्रेनिंग सेशन है। क्या बदला दिखा या क्या बदल सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है सेवा दल का, और अगले 10 दिनों तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलने वाला है। लालजी देसाई जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं सेवा दल के, वो यहाँ पर हैं, और आज से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। सिलेक्टेड देश भर से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इस दौरान सबसे खास चीज़ आरएसएस से कैसे मुकाबला किया जाए, आरएसएस का जवाब कैसे दिया जाए वोटर्स के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो ये बताने की एक कोशिश आज इस शिविर के दौरान की गई है। आज पहला दिन है, आज कुछ कंटेंट बांटे गए हैं, कुछ साहित्य बांटे गए हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया, या आरएसएस और बीजेपी जो देश भर में दावे करती है उन दावों में कितनी सच्चाई है। कई सारे पुराने बयान सन 41 से लेकर आज तक के बीजेपी नेताओं, आरएसएस नेताओं के बयानों को कोट करके बताया गया कि ये बयान उस वक्त दिया गया था और सच्चाई है। मेरे साथ सत्येंद्र यादव हैं, संयोजक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के। एक बड़ा कार्यक्रम आज आप लोग कर रहे हैं यहाँ से, आज पहला दिन है। हमने देखा कि आरएसएस कुछ आप लोग साहित्य बांट रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? देश के अंदर जिस तरह का राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो माहौल क्रिएट किया गया है, एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या देश प्रेम से कहीं दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, आज वो पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और पूरे भारत देश की संस्कृति पर चोट कर रहे हैं। एक ऐसा दल, मैं दल भी नहीं कहूँगा, एक ऐसा ग्रोह जिसने आज़ादी के आंदोलन में 1942 के असहयोग आंदोलन पर लिखित में ब्रिटिश हुकूमत का सपोर्ट किया था और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था, ऐसे ग्रोह आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसलिए हमने प्रमाण के साथ इन सब बातों को, देश की आज़ादी के समय वक्त पर भी आरएसएस ने किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत की लल्लो चप्पो की थी, किस तरह से उनकी गुहार की थी, उनसे निवेदन किया था कि माई लॉर्ड आप देश छोड़कर ना जाएं, अराजकता के आतंकवादियों के हाथ पर देश की बागडोर सौंप जा रही है। यादव जी, आप लोग बरसों से हम देख रहे हैं कांग्रेस सेवा दल और तमाम जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं आरएसएस की खिलाफत करते रहे हैं, बीजेपी की खिलाफत करते रहे हैं, लेकिन आप लोग इधर खिलाफत करते रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ी है, तो क्या लगता है कि इस शिविर के जरिए कुछ आप लोग मजबूत हो पाएंगे देश में? नहीं, मैं इसका तुलनात्मक कहीं अध्ययन नहीं है, कहीं तुलना की बात नहीं है। हम खिलाफत सैद्धांतिक तौर पर खिलाफत हैं, हमारा खिलाफत कहीं कोई फील्ड पर नहीं है। फील्ड पर वो लोग जिनने देश की आज़ादी से लेकर आज तक देशभक्ति की बात करते हैं, आप बताएं आरएसएस ने तिरंगा झंडा राष्ट्र के ध्वज को अपने मुख्यालय पे कब फहराया? पहली बार उनने जो देश का तिरंगा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, जो देश की विचारधारा को नहीं मानते, जो देश के संविधान वक्त हो गए, हमारी उनकी कोई तुलना नहीं है।
हम हमारी सफेद टोपी है, उनकी काली टोपी है, सफेद और काले रंग का आप देख सकते हैं। हम लोग लाठी को गांधी लाठी को प्रतीकात्मक रूप में सहारे के रूप में लेके चलते हैं, वो लाठी को पीछे छुपाकर आक्रमक मारने की मुद्रा में चलते हैं। आखिरी सवाल यादव जी, आपके 10 दिनों के शिविर में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की आने की भी खबर है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? उम्मीद है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज सेवा दल से बहुत सी उम्मीद रख रहा है। चलिए देखते हैं नवीन की यहाँ ये बड़े नेता पहुंचते हैं कि नहीं और किस तरह की स्थिति बनती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया और जो लोग हमारे साथ में जुड़े चर्चा करने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेवा दल अब राष्ट्रवाद को लेकर के और जो छद्म राष्ट्रवाद का आरोप लगाते हुए एक आरएसएस की पद्धति का विरोध कर रहा है उसको लेकर एक कैंप है।